गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो आज बताऊँ, कॉलेज चल रहा है और आज कॉलेज में सेमिनार भी है, तो आपको सेमिनार दिखाएंगे कि सेमिनार कैसा होता है। और पिताजी तो शायद अभी कासगंज के लिए निकलने में, आपको दिखाता हूँ। तो पिताजी तो चल दिए अपने कासगंज की तरफ, चलेंगे आज हम बुलेट से चलेंगे, क्योंकि पिताजी तो गए कार से कासगंज। तो अभी हम निकलते हैं अपने बुलेट से, बुलेट की चाबी लेते हैं और चलिए चलते हैं। जी तो चल दिए, चलिए हम भी चलते हैं, उनके निकलते ही हम चलेंगे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है मैं उनके सामने कार बाइक से जाता हूँ अपनी धनों से। तो अभी गाड़ी चालू करके खड़े हुए हैं, अभी शायद वो बहुत दिनों में चला रहे हैं ना उसे, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, कासगंज में शायद उनके कोई कागज़ वगैरह हैं, इसलिए उन्हें लेने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, पिताजी तो चल दिए और हम भी चलते हैं, बिल्कुल मस्त कर रखी है दूध आके। चलिए गाइस, अब चलते हैं हम भी अपने कॉलेज की तरफ। चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तो गाइस, धनु थोड़ी गंदी हो चुकी है, तो मैं इसे साफ़ करके थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है? दो मिनट रुकिए। और क्लास अभी शायद 11:20 से है, बट वो मैडम 11:30 तक ही आती हैं, उनका फिक्स टाइम नहीं होता कोई बताऊँ, क्योंकि दूर से आती हैं। पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स सेक्शन थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए बताऊँ उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो गाइस, अभी सोहेल भाई तो आए नहीं है, सोहेल भी नहीं आए तो हम क्या करेंगे पॉलिटिकल साइंस में जाके, हम तो नहीं की वैसे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और ग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं कि कोई आया है कि नहीं आया, ठीक है? तो गाइस, अब कॉलेज बंद होने वाले हैं पूरा। तो गाइस, कॉलेज बंद होने वाले थे, इसलिए सारे बच्चे आए हुए हैं कॉलेज में। इन लोगों को मालूम है कि कॉलेज 20-25 दिन के लिए बंद होंगे, इसलिए सब घर पर आ नहीं जाते हैं, लोगों पर पढ़ने आ जाते हैं, सब पढ़ते भले ही नहीं है। तो गाइस, अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ ऊपर पॉलिटिकल साइंस वाली क्लास में, ठीक है? बरेली कॉलेज में चल रही है रेस NCC वाली गर्ल्स की, अभी देखते हैं आगे एक मैटर क्या होता है, कौन जीतेंगे या शुक्ला जी। तो गाइस, अपने पांडे जी आ गए, शायद फर्स्ट में पांडे जी आएंगे। अरे गाय, अरे उठ जाओ पांडे जी, पांडे जी, अरे शिवानी भी आ गई अपनी। तो गाइस चलिए, अभी कोई क्लास तो है नहीं, आज 12:40 की भी नहीं है, और अभी पांडे जी जीत ही गए, और क्या चाहिए अभी। गाइस, बुक लेने को आए थे कि बुक पूछने आए थे यहाँ की, सब कॉम्पिटिशन बुक। अब गाइस, यही सारी हैं जिस पर सारी बुक्स कॉम्पिटिशन की सारी बुक्स मिलती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया कौन सी बुक लेने आया अपना। गाइस, यही दुकान है सारी इनका, इनका नाम चलो मैं आपको दिखाता हूँ। कॉम्पिटिशन बुक हाउस है बरेली में, ये है बस स्टैंड के पास, आपको आना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं बुक लेने, ठीक है? तो गाइस, भैया को बुक तो मिल गई है, ये वाला पूरा बुक स्टोर है। ऐसे ऐसे तीन दुकानें लगी हुई हैं और बहुत बहुत सारी दुकान है, जैसे इधर बताऊँ देखने लायक है। चलिए अभी मैं आपको उधर ही मिलता हूँ। बरेली कॉलेज में सब साइकिल से आ रहे हैं बताऊँ, पूरी बाइक वगैरह सब भरी, और क्योंकि बताऊँ बहुत ह्यूज नंबर में इधर एडमिशन हुए हैं इस बार, भी फर्स्ट ईयर में खाली 7,000 से 8,000 बच्चों के एडमिशन हुए हैं यहाँ, और बाइक खड़ी हुई है करीबन 4-5। बरेली कॉलेज में करीबन 4 से 5 पार्किंग बहुत होती हैं, 4 से 5 पार्किंग, और करीबन इधर 3-4 हज़ार बाइक्स तो खड़ी रहती हुई आराम से, कुछ बाहर के लोगों की और कुछ ऐसे लोगों की। यहाँ पे और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो जैसे कार वगैरह अभी चल रही है, तो बताऊँ जाना अंदर अलाउ नहीं है, बट लोग चले जाते हैं। और देखिए, एक और पार्किंग स्लॉट है इधर, देखिए गाइस एक और पार्किंग स्लॉट है, और ये पूरा अपना किला बना हुआ है बरेली कॉलेज किला। बरेली कॉलेज में रंगोली कंपटीशन चल रहा है, रंगोली की थीम है कि वोट वोट करना है, जैसे लोगों को वोट देना है, भले ही किसी पार्टी को ना दें पर आदर्श में जरूर दें, इसलिए बताऊं लोग यहाँ पे रंगोली कंपटीशन कर रहे हैं, मेन मेन उनका उनका जैसे लोग वोट दें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ रंगोली थोड़ी बहुत, जैसे ये गर्ल बनी आई उन्हें, उस पर वोट लिखा हुआ है, सभी मतदान करें ऐसे। तो ये वाली रंगोली थोड़ी मुझे समझ नहीं आ रही, और ये वाली सही लग रही है, जैसे एक हम्पटी सा बना रखा है उसमें दे रखा है वोट करें। तो गाइस, ये वाली एक एक्स्ट्रा रंगोली जिसमें तिरंगे कलर है, और ये NSS लिखी हुई है एक, और ये सारी रंगोली। गाइस, ये वाली रंगोली मस्त लग रही है, जैसे जैसे उसमें उंगली पे उनने मतदान का साइन दे रखा है, और ये वाली रंगोली में बहुत सारे हाथ से ऐसे कुछ बना रखे हैं, तो इसमें कुछ होगा, और आखिरी वाली रंगोली में कुछ अलग है। तो गाइस, अपनी धनो ये खड़ी है, बाहर चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं। तो गाइस, अभी हड़ताल की वजह से बताऊँ, जैसे बरेली कॉलेज के सारे गेट से बंद कर रखे हैं, खाली एक मेन गेट खुला है, ये भी साइड गेट है, कोई वैसा गेट नहीं है। तो बताऊँ बरेली कॉलेज में बस इसलिए हड़ताल चल रही है कि इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, और टीचर्स की सैलरी 1.5 लाख है, बट उन बेचारे बंदों की 20,000 भी करने में इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि ये बच्चे साइड में अलग, पूरे ग्राउंड की साइड में, और पूरा ग्राउंड पूरा, और ये सब साइड में मैच खेल रहे हैं। अपना ऐसे बच्चे मस्त लगते हैं, ये पढ़ने नहीं आते, बिल्कुल मस्त गेम खेलना। और तुम्हें बताऊँ बरेली कॉलेज से, ये वाला देखिए पूरा स्विमिंग पूल सा बना हुआ है,
चलिए तो अभी क्लास तो है नहीं शायद आज 12:40 वाली, बस सेमिनार होगा उसे देख के चलेंगे। ठीक है, आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ कि ये कौन सी जगह है। हमें लगा खंडर साय, पर यहाँ पे कुछ हो रहा है, टूर्नामेंट वगैरह कुछ हो रहा है गाइज। चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, देखिए फिर रूम वगैरह है। तो गाइज ये खुफिया एरिया है पूरे कॉलेज में, मालूम नहीं बाहर से ऐसा लग रहा था बिल्डिंग गिर जाएगी कभी भी। तो गाइज यहाँ पे मालूम नहीं, तो गाइज ये ब्रदर बोल रहा है लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, पर कर दीजिए आप लोग भाई साहब। गाइज बताऊँ झूठने बोल रहा, मुझे लग रहा था बाहर से कोई ऐसे बेकार एरिया होगा, सच में तो बहुत तगड़ा एरिया निकला। अभी थोड़ी देर में खेलते हैं फिर मिलते हैं। ऊपर से देखने के लिए भी पूरा बना हुआ है जिसे ऊपर से भी आप लोग देख सकते हैं। लगा था वो वाली सीढ़ी लगी है, पर मेन इधर स्टेयर्स भी हैं जैसे आने के लिए, खूब बड़ा है बताओ झूठ रहा। आराम से इधर 100-150 बच्चे, देखो वो लड़की ऊपर चढ़ रही है, पूरी कोशिश कर रही है। तो गाइज अभी थोड़ी देर में मिलते हैं पूरा मैच देख के। गाइज अपनी क्लास तो है नहीं, बट आज बताऊँ भाई गिटार बजा रहे, देखिए सिग्नल की तरह बजा रहे हैं। गाइज अपनी क्लास तो है नहीं आज, बट तो गाइज खूब गाने बज रहे हैं, खूब डांस हो रहा है, बट हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते, हमारे घर में 150 रुपये नहीं दिए किसी ने 150 नहीं वो 200 हो गए थे। कॉलेज के टॉप पे आ चुके हैं, देख लिए कॉलेज का टॉप दिखाता हूँ। देखिए गाइज बहुत बड़ा है बरेली कॉलेज, झूठ नहीं बोल रहा, अभी ग्राउंड वगैरह दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए हम चलते हैं नीचे ही, सही नहीं रहता यहाँ। मॉर्निंग फैमिली, तो चलिए अभी चलते हैं थोड़ा बाहर, 1 बज गए अभी सो के उठाऊँ 1 बजे, फिर रात में 5:30 बजे तो पढ़ाऊँ। अभी चलते हैं कुछ लेने चलते हैं यार, बुलेट ले। तो चलिए अपनी बिट्टू से चलते हैं, चलिए गाइस। तो गाइस चलिए चलते हैं, थोड़ा कुछ लेके आते हैं अपने खाने पीने के लिए। एक हाथ से गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है गाइस, सच बता रहा हूँ। और देख मेरी कॉलोनी ऐसी है, तो चलिए थोड़ा आगे चल के मिलता हूँ आपसे, ठीक है। और शायद पिताजी पी कैप अपनी छोड़ गए, ये वाली पी कैप उनकी रखी हुई है और वो शायद छोड़ गए हैं, तो चलिए थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको। तो गाइस चलिए चलते हैं, थोड़ा कुछ खा पी के आते हैं, छोले भटूरे खाने का मन कर रहा था, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये बाईपास रोड है, हम देखिए ये वाली बाईपास रोड है, इधर ही हम चलते हैं अपनी स्पीड में। कल पापा शायद इसी से कासगंज गए, हाँ कासगंज गए थे कल इसी से, तो स्पीड इसमें जाते नहीं चलाता ऐसे, बताओ सच बताओ सही रहते चलाना। अरे इतना जाम हो लगा है, ये देखिए गाइस, गाइस जैसे पापा की पर्सनल बाइक गाड़ी है ना ये, तो इसमें वो भी लगा है स्कूटर, बट मैं ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि बताओ सही नहीं रहता है। तो गाइस दुकान तो बंद है शायद भैया की, ये वाली दुकान है, चलिए चलिए वो सामने उस पर चलते हैं, वो सामने वाली भैया की दुकान है। तो गाइस चलिए चलते हैं, देखिए आगे कितना हुआ है बहुत, तभी तो मैंने वहाँ गाड़ी नहीं लगाई, अपनी गाड़ी पीछे लगा दी वहीं पर, थोड़ा दूर लगाइए पर सही है बताऊँ, उधर कोई मारेगा तो नहीं मेरे हवाले में। चलिए गाड़ी वाड़ी ठोक जाते हैं लोग उधर से रोड पर खड़ी करते हैं। तो गाइस चलिए भटूरे तो नहीं, चले नान खाते, ये रही दुकान। तो गाइस ये वाली शॉप है, गाइस अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ दुकान पर समोसे वाले, ठीक है। गाइस अभी नान पैक करा लिए और चलते हैं, और समोसे भी लेते हैं क्योंकि समोसे भी खाने का मन कर रहा है थोड़ा, तो चलिए ये वैगनार, चलिए चलिए चलते हैं। अरे लॉक तो खोलूँ, लॉक खोल गया, और चलो हम भरते हैं। कल पापा गए थे और उस दिन धोई थी, पूरी गंदी हो गई अभी पूरी। अरे भैया बैठ जाओ, जो देखो पिताजी के कागज़ वगैरह भी रखे हैं, तो चलो चलते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं, और समोसे वाले बहुत दूर पड़ जाता है, देखिए स्पीड ज़्यादा नहीं चलाता मैं गाइस, स्पीड में नहीं चलाने ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे, जैसे बताऊँ जैसे किसी की पर्सनल व्हीकल में जैसे कुछ लगा हो सायरन वगैरह, तो वो इनलीगल होता है, कभी वो लीगल नहीं होता। आप लोग ये सोचें कि इसकी में भी लगाया तो हम भी लगवा लेंगे, चलिए। और ऐसे में बताऊँ फ़ायदा क्या है सायरन बजाने का, आप कोई VIP है, VIP नहीं, जैसे देखिए बूटर की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जो एम्बुलेंस वाले होते हैं, सच में उनकी ज़रूरत होती है। चलिए वो गाइस अभी जितनगर रेलवे स्टेशन निकल चुका है और अपना आ गया है मेन इस पर पाला, तो अभी इसी से कट मार के अपने समोसे लेने चलेंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत दिनों से कुछ बाहर के। और वैसे भी कॉलेज तो बंद हो ही गए हैं, फिर दिक्कत क्या चाहिए। तो गाइस देखिए अंडरपास में, आज पहले अंडरपास है जैसे इसी के ऊपर रेल वगैरह फाटक वगैरह चलता है, तो ये बहुत सही चीज़ बना दी है उनने, ऐसे एक चीज़ मस्त बना दी। वैसे बताऊँ करना नहीं चाहिए पर मैं जा रहा हूँ, चलिए थोड़ा सीधे चलते हैं। चलो
आराम से चलते प्यार से, और समोसे लेते हैं भैया से। भैया की दुकान पे आ गए हैं, बहुत सारी भीड़ है भैया की दुकान पे। अभी भटूरे पैक हो रहे हैं किसी और के, अपने भी करा और समोसे करा लेंगे फिर घर चलेंगे। ठीक है, ये पैक करा लिए समोसे और भटूरे भी पैक करा लिए और चलते हैं। चलिए गाइस, अब बहुत देर हो चुकी है, शायद अपनी नान भी ठंडी हो गई होगी। गाइस चलिए घर की तरफ चलते हैं और खाना खाएंगे। खाना क्या बाहर का फास्ट फूड जंक फूड, मैं आपसे कहूँगा ये मैं कभी कभी खाता हूँ, रोज़ नहीं खाता। आप लोगों को भी रोज़ नहीं खाना, कभी कभी खाना, ठीक है। ये अंडर पास में देखिए ऐसे अंधेरा हो जाता है पूरा। गाइस बहुत सारी ड्राइंग बनी हुई है, देखिए इधर पूरे उसमें ड्राइंग बनवाई है मोदी जी ने, मोदी जी अब काम करा रहे हैं। तो चलिए घर की तरफ चलेंगे। तो गाइस चलिए घर आ चुके हैं और चलते हैं अपना सामान लेके, पूरा ये सामान पूरा ले आए हैं और कुछ खाएंगे पियेंगे, आज का इंजॉय करेंगे संडे को। चलिए चलिए थोड़ा, अरे लॉक तो की नहीं गाड़ी, दो मिनट रुकिए जरा लॉक कर दूँ गाड़ी है। तो गाइस चलिए गाड़ी लॉक कर दिए और चलते हैं और अपना नाश्ता पानी करेंगे। आज बाइक से नहीं गया इसलिए मैं क्या जाऊँगा बाइक। चलिए गाइस भूख लगी है बहुत तेज, और टाइम बताऊँ कितने हो गए, 1:10 हो गए। चलिए अभी मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लाया हूँ मैं अपने। ये मेरे छोले भटूरे, ये मेरी सब्जियाँ, और ये मेरी नान, 4 समोसे। अरे अकेले रोज रहे, अकेला नहीं खाऊंगा, मम्मी भी खाएंगी, ठीक है। मैं भी थोड़ी देर में मिलता हूँ, वैसे नान और भटूरे तो मैं खाऊंगा, मम्मी समोसे खाएंगी, 2 समोसे मम्मी खाएंगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ खा पी के। तो गाइस अभी रेडी हो चुके हैं और अपनी टाइपिंग की ट्यूशन जा रहे हैं, तो अब क्या व्लॉग दिखाना, बस इतना ही, ठीक है। और कॉलेज बंद हो चुके हैं। तो गाइस अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।